धन की कमी हो तो याद आती है माँ लक्ष्मी की, या फिर याद आती है कुबेर की। इनकी प्रतिष्ठा अगर ठीक ढंग से की जाए तो धन धान्य की पूर्ति होने लग जाती है दोस्तों। अब मैं आपसे माँ लक्ष्मी की बात नहीं, कुबेर जी की बात नहीं, मैं आपसे बात करूंगा गणपति जी की, यानी गणेश जी की। दोस्तों गणेश जी, यदि इनकी स्थापना आपने सही ढंग से की और इनकी अर्जी लगा दी तो समझ लेना कि गणेश जी से भी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि आने लग जाएंगे दोस्तों। रिद्धि सिद्धि के भी दाता हैं और बुद्धि के भी दाता हैं गणेश जी। हाँ, मैं जिस मंत्र की बात बताऊंगा, जिस मंत्र के बारे में बताऊंगा, मंत्र पढ़ने में थोड़ा सा टेढ़ा जरूर है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जो विधि बताऊंगा, यदि आप उस विधि से कर लेंगे तो दोस्तों कर देगा मालामाल, करके देख लेना। अब मैं अपने विषय पर आऊं, इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले हमारे सभी प्रिय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, और जय माता दी लिखने वाले सभी हमारे प्रिय दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों आ जाते हैं अपने विषय पर, और मैं आपको जो विधि बताता हूं वो बिल्कुल ही कारगर होती है दोस्तों, बस उसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है, सिर्फ करके देख लेना आप। मैंने आपको बताया था गणेश जी की स्थापना। अब सबसे पहले तो आप कागज पर यह मंत्र लिख लीजिए जो मैं मंत्र आपको अब बोलकर सुना रहा हूं, पर आप लिखेंगे भी कैसे, अब आप लिख भी नहीं सकते, पर कोई बात नहीं, मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, अब वहां से तो आप लिख ही लेंगे। हाँ, लिख लेना। अब मंत्र को सुन लीजिए। हरि ही ओम गणनंत्वा गणपति गं हवामहे, प्रियनंत्वा प्रियपति गं हवामहे, निधिनंत्वा निधिपति गं हवामहे, व्यसो मम आहम जानि गर्वधम त्वं जासि गर्वधम। आपको यह सुनने में थोड़ा लग रहा होगा कि टेढ़ा है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो टेढ़ा नहीं है दोस्तों, और आपको याद भी नहीं करना है, आपने कागज पे इसे लिख लेना है। बस कागज पे चाहे आप शाही, लाल शाही से ही लिख लेना, जरूरी नहीं है किसी से भी लिखना, लाल शाही से लिख लेना, और कागज पर लिख करके आप गणेश जी की अपने पूजा स्थान में जब स्थापना करते हैं, तो मैंने बताया है कई बार दोस्तों कि इस प्रकार की एक मिट्टी पे या कोई सुपारी पे लाल धागा यानी मोली बोलते हैं इसको लपेट लें। अब ये कुमकुम लगा दें इसके चारों तरफ, बन गए ना गणेश जी। अब गणेश जी हमारे पास हैं और बड़ी साधारण विधि है। अब गणेश जी बना लिया, एक कटोरी में थोड़े चावल डाल लिए दोस्तों। अब ये चावल, अब इन चावल पे इस गणेश जी को स्थापित कर देना है। हो गई गणेश स्थापना, अपने पूजा स्थान पे रख देना है, और आपने जो मंत्र लिखा है दोस्तों उस मंत्र को जहां अपने पूजा स्थान पर रखें तो इसके नीचे उस कागज की तह बना करके रख दें, यानी तह बना के रख दें, फोल्ड कर दें उस कागज को, और उसके ऊपर इस कटोरी को रख दें। रखा रहने दे दोस्तों, बस अब इतना सा करने में तो आपका कुछ नहीं गया, कुछ जाएगा भी नहीं और मैं जाने भी नहीं दूंगा। अब कुछ नहीं गया तो रख दें,
अब दिन में एक बार आपने उस कागज को नीचे से निकालकर अगरबत्ती जला करके ऊपर से घुमाना है, और ना भी निकाल कर घुमाए तो रखा रहने दे, इसी के ऊपर से अगरबत्ती को घुमा लें दोस्तों जला करके। मंत्र यदि पढ़ने में आ जाए तो अति उत्तम है, आप कागज को निकालकर मंत्र को पढ़ लें, और यदि नहीं पढ़ सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, बस आपने मन में यह सोचना है कि हे भगवान गणेश जी, आप आओ हमारे यहाँ पर विराजमान रहो, आप सबसे प्रिय देवों में प्रिय देव हैं, और खजाने के भंडार के भी भंडार हैं, आप हमारे घर में बने रहो। इतना सा तो ध्यान करके बोल ही सकते हैं दोस्तों। बस आपने अगर 41 दिन भी ऐसा कर लिया दोस्तों, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि धन कहां से आ रहा है। करके देख लेना दोस्तों, कर देगा यह मंत्र माला मार। इस मंत्र के बारे में पहले मैंने एक बार वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें मैंने जो विधि थी वो रात्रि के 12 बजे करने की विधि थी, पर आपको 12 बजे करने की जरूरत नहीं है, आपने इसके नीचे रखना स्थापित कर देना ना, फिर क्या जा रहा है, आपको अगरबत्ती लगा देना इसके ऊपर से। मंत्र बड़ा कारगर है दोस्तों, कर लोगे तो समझ लेना माला माल कर ही देगा। और अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, आप शेयर कर दोगे तो ना जाने किसको इससे लाभ हो जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही ऐसे ही एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।